बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। मैं हूं नुमान अली और आपको ओके टू ब्लॉग में खुश आमदीद। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक गांव में, गांव की एक हवेली में, जहां पर अभी भैंसों का दूध निकालने लगे हैं। आगे मैं सारा आपको प्रोसेस दिखाता हूं और किस लिए मैं आज यहां पे एक्सपीरियंस करने के लिए आया हूँ। यहाँ पे पहले सारी भैंसें बांधी हुई थी, चारा वगैरह खा के उन्होंने फारग हो गई हैं। अभी दूध निकालने के लिए ना अलहदा अलहदा बांध रहे हैं, क्योंकि इकट्ठी बांध कर दूध निकालेंगे तो वो एक दूसरे को तंग करती हैं, तो इसलिए अलहदा अलहदा उन्होंने बांध ली। यहाँ पे चारा स्टॉक किया जाता है और इस मशीन से चारा काटा जाता है। और ये जो बर्तन है इनमें से अभी एक एक भाई पकड़ेगा और एक एक भैंस का दूध इसमें से निकालेगा इसके अंदर, और बाद में ये जो बड़े बर्तन पड़े हुए हैं इनमें डाल के और ले जाएंगे सेल करने के लिए। ये गाड़ी खड़ी हुई है, इसके अंदर लोड करके। ये जो गांव है ना, ये तकरीबन ये शेखपुरा के नज़दीक है, और मुख्तलिफ लोग जो है ना यहाँ पे दूध ले के आते हैं, यहाँ पे जमा करते हैं और ये गाड़ी पे लोड करके ले जाते हैं लाहौर। तीन भाई हैं और तीन ही बर्तन हैं, एक दो तीन। पहले इनमें निकालेंगे, इनके अंदर, और बाद में उनमें जो है ना किलो के हिसाब से जो है ना नाप तोल करके तो फिर डाल देते। तो आज एक्सपीरियंस करेंगे कि ये दूध हम तक कैसे पहुंचता है, किन किन मराहल से और किन मुश्किलात से होके हम तक दूध पहुंचता है। तो आपको भी दिखाते हैं। अभी दूध निकालने का टाइम हो चुका है, तकरीबन 4:30 या 5 बज चुके हैं। तो अभी निकालने के लिए जो है ना इन्हें अलहदा अलहदा बांध दिया, जब निकालते हैं तो आपको वो भी दिखाएँगे। और ये बर्तन जो बिल्कुल साफ़ करके धो के लेके आए हैं, और वो जो मोटरसाइकिल पे बर्तन बांधे हुए हैं वो गांव में जा रहे हैं, कुछ यहाँ पे दे जाते हैं और नहीं तो ये भाई जाता है उनकी हवेलियों में, वहाँ से दूध लेके आते हैं तो इनमें डाल के फिर ले जाते हैं। क्योंकि गांव में एक दो तो मैंने गाड़ियाँ देखी हुई हैं, तो और पता नहीं कितनी है जो ये पूरे गाँव से दूध ले कर जाती हैं लाहौर शहर में। तो वहाँ जाके भी आपको दिखाएंगे कि ये वहाँ पे किस दुकान पे देते हैं जाके ये, और आगे का भी आपको प्रोसेस दिखाते हैं। हम तक तो जो वो दूध पहुँच जाता है दुकान के ज़रिए, दूध ले के आते हैं और दुकान से हम दूध ले जाते हैं। हमें टेस्ट का नहीं पता होता और हमें खालस का नहीं पता होता कि ये खालस है या इसमें पानी की मिलावट हुई है या और जो पाउडर वगैरह या केमिकल्स वगैरह जानलेवा उनकी मिलावट हुई है, ठीक है, हमें नहीं पता होता। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आपको मौका मिले तो आप भी बिल्कुल खालस दूध का जो है ना एक्सपीरियंस करें और आपको भी पता चले खालस दूध कैसा होता है। तो यहाँ से ये दूध निकाल के लेके जाएंगे, आपको मैं दिखाऊँगा कि मिलावट वाले दूध में क्या फ़र्क होता है और जो खालस होता है उसमें क्या फ़र्क होता है। पहले उसके बच्चे को छोड़ते हैं, थोड़ा दूध उसे पिलाते हैं, और बाद में फिर जो थोड़ा बचता है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि जो भैंस ने बच्चा दिया होता है उसे भी पिलाना लाजमी होता है। वो दूध के बगैर छोटा बच्चा है वो नहीं रह सकता, जब वो घास खाने के या चारा खाने के काबिल हो जाता है तो फिर उसे नहीं पिलाते। और इस गाड़ी में आज मैं भी जाऊँगा, आपको दिखाएँगे जाके इस पिकअप में। और मैं पहली बार ही इनके साथ जा रहा हूँ। वो देखें, ये भाई भी उसके बच्चे को ना दूध पिला रहे हैं। ये पहले उनके थन जो हैं उनको धोते हैं और फिर दूध निकालते हैं। गंदे होते हैं ना थोड़े बहुत भैंस के बैठने से। ले जी, दूध निकालना शुरू कर दिए, देख सकते हैं आप।
मैंने कल जाना था, लेकिन मैं जो है ना थोड़ा सा वो लेट गए, शाम के ना तकरीबन 6:30-7 बज गए थे, तो अंधेरा हो चुका था, इसलिए मैं उनके साथ नहीं गया, क्योंकि वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आना था। तो ये जो पूरा गांव है ना, आपको दिखाता हूँ, ये जो पूरा गांव है, इस गांव से और मुख्तलिफ जगहों से ना तकरीबन 180 से 200 मन के करीब, 180 से 200 मन के करीब दूध इकट्ठा हो गया लाहौर में पहुंचता है, और वहाँ पे टेस्टिंग होती है, पासिंग होती है, फिर वो क्लियर करके आगे चिलर में डाल देते हैं, बड़े बड़े चिलर लगे हुए हैं वहाँ, फिर उससे आगे फिर लोगों को सप्लाई कर देते हैं। इतनी खपत है दूध की, ओरिजिनल दूध मिलता है ना, पाउडर वाला को केमिकल वाला नहीं मिलता, ओरिजिनल दूध है ना, इसलिए इतना ज़्यादा लगता है, लोगों को टेस्ट का भी पता जो है जो लेते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो थी ना, बिल्कुल आपको गाइड करने के लिए थी कि अगर कहीं से भी आप दूध लें, दही लें, मिल्क वगैरह लें, तो आप चेक करके लिया करें, टेस्ट को जो है ना आप चेक करें कि ये ओरिजिनल है या नहीं, आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नए आने वालों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।